हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेडिंग का नोटिफिकेशन आने के बाद से कल से एक बहुत बड़ी कॉमन क्वेरी है कि सर, अब जब नाबार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है तो ये टाइम हमारे लिए बहुत कम है। इवन आप कमेंट्स में भी देखेंगे कल की वीडियोज की, तो उसमें भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जिसमें स्टूडेंट ने कहा है कि अब तो बहुत कम टाइम है, प्रिपेयर करना काफी मुश्किल है। तो नो डाउट का टाइम कम है, बट मैं एक चीज कहूँ, टाइम कितना भी मिलेगा हमेशा ये टाइम कम ही लगेगा। और जैसे अगर आप इससे पहले देखेंगे, जब हम अगस्त में कहते थे या जुलाई में कहते थे, तब ये होता था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, हम उसका वेट करेंगे, और नोटिफिकेशन आने के बाद ये कॉमन बात रहती है। तो यहाँ पे आज हम ये एनालाइज करेंगे कि कंपटीशन लेवल क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स नाबार्ड के एग्जाम को फिल करते हैं, और कितने स्टूडेंट नाबार्ड के एग्जामिनेशन में एक्चुअल में देने जाते हैं, और 40 डेज क्या वाकई में सफिशियंट है या फिर सफिशियंट नहीं है, प्रिपरेशन हो सकती है नहीं हो सकती है। अगेन, ये चीजें दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। सो अब यहाँ पे देखेंगे, ईयर वाइज हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी डेटा हमें मिलता है बेस्ड ऑन द आरटीआई। आप देखेंगे 2022, यानी कि लास्ट ईयर जो नाबार्ड का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें प्रीलिम्स में जो एप्लीकेशन आई थी वो 60,806 थी। मतलब इतने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। अब 60,806 में से सिर्फ 35,538 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को देने गए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफी डिफरेंस आ जाता है। जितनी एप्लीकेशंस फेल होती है उतने स्टूडेंट देने नहीं जाते, क्योंकि ये कंडीशन हर बार हर टाइम होती है कि स्टार्टिंग में फॉर्म भी भर दिया बट पूरा पढ़ नहीं पाए। पढ़ नहीं पाए क्यों? क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो ये चीजें होती हैं। सो अगेन, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप रियल में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अगले जो 40 डेज हैं वो पढ़ाई में दे सकते हैं, तो भी चांस आपके लिए है। क्योंकि उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव वाली चीज है उसको आपको अभी नहीं सोचना है। जैसे ही प्रीलिम्स ओवर होगा उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कर सकते हैं। ओके, तो आप ये देखेंगे कि अपीयर 35,000 हुए, और उसमें से फाइनल सिलेक्शन मेंस के लिए 3,000 स्टूडेंट्स का हुआ। और यहाँ से तो आगे पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहता है, क्योंकि 1:25 का रेशियो है, फिर इंटरव्यू में 1:3 का रेशियो है। ओके, आप 2021 में देखिए, 71,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 2020 में 66,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इससे पहले का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज हो रही थी, बट 2021 से 2022 में नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिक्रीज हो गई। इसका रीजन ये है क्योंकि 2021 में नया जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव और ARDESI बेस्ड सिलेक्शन हो गया है, वो हुआ था। उस साल बच्चों ने फॉर्म फिल किया बट अगले साल से कम हो गया। मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि 2023 में आप देखेंगे ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं ये इससे भी कम होंगी, ये डिक्रीज होगा। और इसके डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? एक रीजन तो ये है क्योंकि अब जब नोटिफिकेशन आया है तो टाइम कम लगता है, और फिर हमें लगता है कि फॉर्म भी क्यों भरना है। ओके, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस बार जहां की लास्ट टाइम एग्रीकल्चर और एलाइड में काफी सारी वैकेंसीज आती थी, वो वैकेंसीज इस बार नहीं है, तो यहाँ पे ये चांसेस पूरे पूरे हैं कि इस बार इससे भी कम एप्लीकेशंस रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे बाकी एग्जामिनेशन, चाहे RBI है, चाहे CBE है, चाहे IBPS के एग्जामिनेशन है, वहां पे कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस रहती है, यहाँ पे एप्लीकेशंस कम रहती हैं। इसके पीछे का रीजन 8 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में, और उसके बाद ARD और ESI फोकस्ड एग्जामिनेशन। होता क्या है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए नहीं है, और बाकी स्टूडेंट सोचते हैं ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये एक बहुत अजीब सा एग्जामिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं डायलेमा की सिचुएशन हर स्टूडेंट के लिए हो जाती है। ओके, चलिए अब ये आप देखेंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया, ये 2022 में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस की भी मेंशन किया है, फाइनेंस में आप देखेंगे अराउंड 1500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कंप्यूटर अवेयरनेस में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अराउंड 4000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। ये 2021 का डेटा है। ओके, ये अभी हमने डिस्कस किया ही है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप देखेंगे ये डिक्रीज होती जा रही है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, क्योंकि जैसे हर बार स्टूडेंट पूछते रहे हैं कि सर, इस स्पेसिफिक स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे अभी इस बार फूड टेक्नोलॉजी में आया हुआ है, फॉरेस्ट्री में आया। तो आप देखेंगे 2020 में जब फूड, ये 2020 के एप्लीकेशंस हैं, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग में आया था, तो यहाँ पे 628 स्टूडेंट्स ने केवल अप्लाई किया था। ये आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशंस, इसके बाद कितने एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेंस के लिए होता है, बहुत डिफरेंट रहता है। तो कंपटीशन हमेशा कम रहता है, ये अभी आपको लगता है फॉर्म भरते समय। बस यहाँ पे ये चीज है, भले ही एप्लीकेशंस कम होंगी बट जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपको ऐसे ही चले जाना है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस बार वैकेंसीज है, चाहे वो CS की है या फिर IT की है या फिर फाइनेंस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजभाषा या लीगल में इस बार वैकेंसीज नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा जनरल में ही रहती है, और जनरल में ही इस बार भी वैकेंसीज है।
इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कैसा होता है और क्या आपको करना है। ओके, दूसरा एक पैरामीटर होता है कि कट ऑफ देखने का, कि कट ऑफ क्या रही थी लास्ट टाइम। तो कट ऑफ अगर आप देखेंगे जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, रीजनिंग में 3.75, इंग्लिश में 12, कंप्यूटर में 5.5, क्वांट्स में 3 एंड डिसीजन मेकिंग में 1.5, ये हमने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। प्रीवियस ईयर पैटर्न मैंने क्वेश्चन भी बताया थे कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्वांट्स में कौन से क्वेश्चन है और कैसे आप इनको कर सकते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर आप ये अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि देना है कि नहीं देना है। मेरिट सेक्शन में भी ये हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे कंपटीशन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या 40 डेज जो आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि आज 3rd of September हो चुकी है, 16th of October को आपका एग्जामिनेशन है। आप देखेंगे अभी आपके पास 27 डेज इस मंथ के और 16 डेज नेक्स्ट मंथ के बचे हुए हैं, तो सिर्फ इतना ही टाइम आपके पास है और वो 45 डेज से भी कम का है। तो इसमें कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नवाड इज एग्जामिनेशन ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, तो उसी अप्रोच में आपको चलना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से नहीं भी आते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक स्टडी प्लान आपके लिए बनाया है। बट कल इस स्टडी प्लान के बाद जो बहुत सारी क्वेरीज आई है टेलीग्राम में, बहुत सारे मैसेज आए, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के टेलीग्राम में आंसर दूँ, बट कुछ छूट भी जाते हैं। उसमें ये आया कि सर वीक वन आपने डे वाइज सारे टॉपिक्स बताए हैं, ये सारी चीजें सही है क्वांट्स में, रीजनिंग, इंग्लिश में, बट इसमें तो सारा ही चीजें कवर है। और डेफिनेटली इसमें सारी ही चीजें कवर है क्योंकि हमने ये बताया कि 40 डेज में आप कैसे कैसे चीजों को टारगेट करके कर सकते हैं। स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर आप ये बता दीजिए क्वांट्स के कुछ 5 से 6 टॉपिक और सिमिलरली रीजनिंग के 5 से 6 टॉपिक जिनको कवर करके हम इजीली जा सकते हैं। ओके, और डेफिनेटली उसमें जैसे रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट या पजल ना हो तो ज्यादा बेटर है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, एक तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, और जो दूसरा आपने ये पूछा कि स्पेसिफिक टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के अपार्ट फ्रॉम ये डेली स्टडी प्लान के, तो ये स्टडी प्लान तो आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा, इसमें लाइव क्लास प्लान भी दिया है और जो हमारी QRE की स्पेसिफिक क्लासेस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड ही है। अगर आप देखेंगे रीजनिंग में सिलॉग्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस 5 ईयर एनालिसिस, RC बेस्ड ऑन द प्रीवियस 5 ईयर एनालिसिस, तो ये सारी क्लासेस हमने स्पेसिफिक रखी हुई है नाबार्ड के लिए। स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नीचे जब स्टडी प्लान में आप जाएंगे, आप इंग्लिश के नीचे हम क्वांट्स में जाते हैं, तो क्वांट्स में आप देखिए हमने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी यहाँ पे दिया हुआ है। सीरीज से स्टार्ट कीजिए, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज। तो अगर आप ये भी देखेंगे ना, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परसेंटेज, ये 4 टॉपिक भी आपके लिए काफी सफिशियंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो DI भी आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ये 50% का यहाँ पे हो जाता है, और उसके बाद बचा क्या अर्थमेटिक वाला पार्ट। तो अर्थमेटिक वाले पार्ट में आप नहीं भी जाएंगे तो भी सही, हालांकि पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो कभी कभी वो भी हमको करके जाना है, बट ये चीजें तो आपको श्योर करनी ही करनी है। सिमिलरली रीजनिंग में आप देखेंगे ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी से लॉग से डिस्टेंस डिडक्शन है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को आप छोड़ सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी हमने दी हुई है, यहाँ पे जो इनिशियल टॉपिक्स हैं इनको आप करेंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। सो दोस्तों अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कंपटीशन या फिर नाबार्ड का पेपर पैटर्न, 40 डेज सफिशियंट है। आप पढ़ना शुरू कीजिए, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें आती है। यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर नहीं करना है, अभी चाहे BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों ना हो, क्वेश्चन तो बेसिक ही पूछे जाएंगे और वो सबके लिए सेम होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप इसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने का मतलब आप ये टॉपिक्स ये ट्राई कीजिए कि इतने एक वीक में टॉपिक हो जाए, और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दीजिए। अगर आप सारा कुछ पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो प्रिपरेशन अधूरी रहेगी, आप बहुत कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, ये आप लिख के ले लीजिए। ओके, ये स्टडी प्लान हमने आपके साथ शेयर किया है, कोर्स आप लेना चाहते हैं तो अभी इसका प्राइस बहुत कम है, आप इसको ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कनेक्ट करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे।